नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मुंगेर गंगा सड़क पुल के बारे में। अगर आप मुंगेर गंगा पुल पर यात्रा करने को लेकर विचार बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। बता दें कि इस पुल पर अगर आप यात्रा करने को लेकर विचार कर रहे हैं तो आपको तुरंत इसे रोक देना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस सड़क पुल पर 3 जून से अगले 3 दिनों तक यानी कि 5 जून तक यातायात को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार की ओर से इस को लेकर पुल के दोनों तरफ नोटिस भी लगाया गया है। पुल के बंद रहने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर खुशबू गुप्ता ने पिछले दिनों आदेश जारी करते हुए कहा था कि मुंगेर पुल सह सड़क पुल के पहुंच पथ पर निर्मित वायडक्ट पोर्टियन का स्पेन लोड टेस्ट किया जाएगा, जिसके तहत यह पुल 3 जून की सुबह 8 बजे से 5 जून की शाम 6 बजे तक के लिए बंद रहने वाला है। खुशबू गुप्ता ने NHAI को रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ के दोनों छोर पर कार्य प्रगति पर है और मार्ग पूर्ण रूप से बंद है, इसको लेकर जो है नोटिस बोर्ड चिपकाने को कहा है। इसका बोर्ड लगाने को कहा गया है। गुरुवार को पहुंच पथ के दोनों ओर भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकार की ओर से बैनर लगा दिया गया है। बता दें कि इस पुल पर अगले 3 दिनों तक परिचालन के बाधित रहने पर असुविधा के लिए खेद है। साथ साथ पुल को पूरी तरीके से बैरियर से बंद कर दिया गया है। इस पुल के बंद रहने से मुंगेर, खगड़िया एवं बेगूसराय के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अब मुंगेर से सड़क मार्ग से बेगूसराय खगड़िया जाने के लिए आपको 100 से 150 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करना होगा। इसके साथ साथ अगर आप सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों को ज़्यादा सफ़र करना हो सकता है। आपको बता दें कि इस पुल का उद्घाटन इसी साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, जिसके बाद यह पुल जो है परिचालन के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन अब इसे 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में NHAI के परियोजना निदेशक प्रबोध कुमार महतो ने बताया कि इस 3 दिन तक सेतु पर भारी वाहनों के ट्रायल लिया जाएगा। इस संबंध में NHAI के परियोजना निदेशक प्रमोद कुमार महतो ने बताया कि इन 3 दिनों तक सेतु पर भारी वाहनों का ट्रायल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण सेतु डबल डेकर पुल है। पुल के नीचे से ट्रेन गुजरती है और ऊपर से वाहनों का परिचालन होता है। बंद के दौरान श्री कृष्ण सेतु के बने गार्डन की जाँच होगी। वाहनों के दबाव से सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। अभियंताओं की टीम जो है ऐसी कई बिंदुओं पर इस दौरान जाँच करेगी। श्री कृष्ण सेतु से अभी छोटे वाहनों का परिचालन हो रहा है। ऐसे में लोग श्रीकृष्ण सेतु से होकर लोग खगड़िया, बेगूसराय, कोसी और सीमांचल के जिलों में आवाजाही कर रहे हैं। 3 से 5 जून तक इस सेतु के बंद रहने से मुंगेर के अलावा दूसरे जिलों को लोगों को भी परेशानी है, जिसमें कि मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के जिलों में आने वाले लोग विक्रमशिला सेतु या फिर राजेंद्र सेतु के सहारे लेना होगा। तो एक तरह से कह लें कि मुंगेर सेतु जो कि पिछले दिनों ही शुरू हुआ था, उसमें जो है तकनीकी जाँच जो है अभियंताओं यानी कि इंजीनियर के द्वारा की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बड़े गाड़ियों को जो है उस पर चलाने के बाद उसको जो है जाँच किया जाएगा, उसकी ट्रायल की जाएगी, उसके गार्डन की जाँच की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि पुल की क्या स्थिति है, क्योंकि उसके नीचे जो है रेल पुल है और ऊपर में जो है सड़क पुल है। तो ऐसे में इन दोनों चीज़ों को जो है एक साथ देखने की बात जो है कही गई है। यही वो कारण है जिसके चलते 3 जून यानी कि आज से 5 जून तक के लिए जो है इस पुल को जो है बंद कर दिया गया है। इंजीनियरों की तरफ से एक तरह से कह लें कि NHAI और जिला प्रशासन दोनों की तरफ से जो है इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।